नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेक्स प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि गुप्त रोग। तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए सेक्स के बारे में जब कोई आदमी बात करता है तो थोड़ा झिझक पैदा होती है, क्योंकि आदमी खुद खुलकर नहीं बता पाता, अंदर ही अंदर बीमारी को दबा देता है, जिसकी वजह से अधिकतर जो सेक्स प्रॉब्लम है वो पैदा होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मेनली सेक्स प्रॉब्लम कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से आई हुई कोई चीज़ हो, ये हमारे माइंड की ही देन है। क्योंकि सेक्स प्रॉब्लम चाहे किसी भी तरह की हो, किसी भी उम्र में हो, जैसे किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, यानी पूरा तनाव नहीं आता, या अर्ली डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो गया, शीघ्र पतन की शिकायत हो गई, इच्छाएँ कम हो गई हैं, वीर्य में पतलापन आ गया है, स्पर्म काउंट कम हो गए हैं, या स्टेमिना कमज़ोर हो गया है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये मेनली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। एक्सेस जो हर चीज़ की, देखिए जाती हर चीज़ की बुरी होती है, तो टेंशन जो है अगर बहुत ज़्यादा लिया जाए, चाहे वो घरेलू टेंशन हो, बिजनेस का टेंशन हो, या जॉब का टेंशन हो, जब ज़्यादा मात्रा में टेंशन रखेंगे तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं तो अपने शरीर में असर करेगा, तो अधिकतर वो सेक्स पर अपना असर आता है और सेक्स की कमज़ोरी आ जाती है। आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो मेनली जिस तरीके से एकदम से हार्मोन्स का उनमें चेंजेस आते हैं, तो उनको एक मतलब जैसे नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि नाइटफॉल कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, ये एक नेचुरल क्रिया है जो किसी के साथ भी हो सकती है, परंतु जब इसकी भी ज्यादती हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में जब वीर्य बाहर निकलना शुरू हो जाता है, रूटीन में नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या है, शरीर में कमजोरियां आती हैं और अर्ली डिस्चार्ज का प्रॉब्लम उनको रहने लगता है। कुछ गलत खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आजकल का जो खान पान है कुछ तो पेस्टिसाइड युक्त है, उसके साथ साथ जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, या एक्सेस में जो नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनको भी अक्सर सेक्स प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि आजकल का जो जीवन है वो भी व्यस्तता का है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, आदमी मतलब समय पर सोना नहीं है, पूरी पूरी रात काम करना है, तो उससे भी क्या है कि वो अपने शरीर पर, अपने घर परिवार पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से अक्सर सेक्स प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिनको भी सेक्स की प्रॉब्लम है वो एक तो अपना टाइम टेबल सेट करें कि समय पर सोना है, समय पर उठना है, उठने के बाद थोड़ी देर योगा वगैरह है या मेडिटेशन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जो कि माइंड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। माइंड फ्रेश रहेगा तो सेक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा उठाव नहीं करेगी। इसके साथ साथ अपना अच्छा खान पान रखें, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, फ्रूट्स वगैरह लें, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, वो बहुत फायदा करता है, और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो मैं एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ, दवा का नाम है ब्रिफा एक्स। ये टेक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है, इसमें दो तरह का दवा रहता है, पीने के लिए ड्रिंकिंग एम्प्यूल, जो कांच के गिलास में दवा डालकर पानी मिलाकर 7 दिन तक सुबह शाम पीना होता है और 8वें दिन से एक टाइम पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 27 की टैबलेट होती है जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को कम से कम 46 दिन जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी वगैरह, या फिर जिस तरीके से बहुत ज़्यादा नशा ना करें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।